परसेंट। मैंने कल दो शब्द देखने के लिए कहा था, किसी ने देखा? नहीं देखा होगा मुझे विश्वास है। एक शब्द श्रेयस के समान गरियस देखो, विभक्ति कौन सी है? प्रथमा है, द्वितीया है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। हमें कुछ नहीं करना है ऐसा नहीं, हमें भी करना है सीखने के लिए। इसको स्पून फीडिंग कहते हैं ना, उसका नाम अध्ययन नहीं है। अध्ययन क्या है? बिटवीन द लाइन्स डिजायर्ड मीनिंग विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। टीचर एक्सप्लेन्स इट, अदर थिंग्स वी हैव टू डू। गरियस शब्द क्या है, कहां से आया है? गुरु शब्द से गरियस बना है और ये श्रेष्ठता वाचक है। महत्ता, बृहत्ता, ज्येष्ठता, और ये श्रेयस के समान चलता है। श्रेयस श्रेयसो श्रेयसः, श्रेयस श्रेयसो श्रेयसः। और इसकी पंचमी भी वही है, श्रेयसः है। षष्ठी भी श्रेयसः है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए? आमात, ये पंचमी है, ये विशेषण है किसका? गरीय से आमात का विशेषण है। तो जब आमो की पंचमी है तो इसकी पंचमी होनी चाहिए। विशेषण विशेष्य की भक्ति एक होती है। हमें अध्ययन करना है, केवल डिपेंडेंसी नहीं, चिकित्सक अभ्यास अध्यापक पर वो पूरा नहीं कर सकता। पूरा पूरा चरक कोई पढ़ा नहीं पाएगा आपको। आपको पढ़ना है जायस गरियस, ऐसे शब्द बनते हैं। और उसके लिए एक छोटी किताब मिलती है धातुरूपा वाले करके, 30 रुपए की छोटी मिलती है। उस पर सब कुछ दिया है, वो अपने पास होनी चाहिए। चलो अगला श्लोक। अपटे की एक डिक्शनरी रखो, वीपी अपटे, वीपी अच्छी डिक्शनरी, और सबसे बढ़िया डिक्शनरी अपटे डिक्शनरी है। संस्कृत इन टू इंग्लिश है। वीएस अपटे ऑनलाइन मिलती है। दो प्रकार है, बाइंडिंग की है, एक विदाउट बाइंडिंग है। बाइंडिंग वाली 350 में है और विदाउट बाइंडिंग 300 में। और मैंने 13 रुपये में खरीदी करी थी, 1369। अभी भी है मेरे पास, अभी दूसरी लिया हूँ 300 रुपये की। तो उसमें धातु कौन सा है, रूप कैसे बना है, कौन से गण का है, सब दिया है। चलो अगला श्लोक कौन सा था? विलंबिका हमने देखा है, भवेत विलंबिका। आगे क्या है पढ़ो, अगला श्लोक पढ़ो। गलती हो तो भी चलेगा, पढ़ो जोर से पढ़ो, गलत होना ही है। विबंध अति प्रवृत्तिर्वा ग्लानी अजीर्ण लिंगम सामान्यम विष्टंभो गौरवम भ्रमः। सामान्य लक्षण बताए अजीर्ण के, विष्टंभो गौरवम तंद्रा, और क्या है? भ्रम,
अरुचि अजीर्ण विष्टम्भो इत गौरव तंद्रा यहाँ क्या है ग्लानी, ये लक्षण देखना है अजीर्ण के, ये प्रायः मिलते हैं। अधोदर गौरव है, उदर गौरव है। अब इस पर ग्रेडेशन हो सकता है, मृदु अजीर्ण, मध्यम अजीर्ण, बलवान अजीर्ण, ये हो सकता है। ये सामान्य लक्षण है, कम से कम इन लक्षणों को देखो, और अधिक सूक्ष्मता से जाना है तो चरक के लक्षण देखो, चरक के देखना अच्छा है। आगे न च अति मात्र मेव अन्नम आम दोषाय केवलम। हाँ, अब इसका अर्थ लगाओ, न च केवलम, केवलम का यह अर्थ है ओनली। न च केवलम अतिमात्र, अतिमात्र भोजन ही केवल कारण नहीं है अजीर्ण के लिए। अन्न आमाद आमदोषाय, आमदोषाय चतुर्थी, आमदोष की उत्पत्ति के लिए केवल बहुमात्र भोजन ही कारण नहीं है। द्विष्ट विष्टम्भ दग्ध आम गुरु रुक्ष हिम आशु आशुचि अशुचि, क्या क्या है इन गुणों के आहार भी अजीर्ण करते हैं, रुक्ष विष्टम्भी गुरु शीत, ये भी व्याधि करते हैं, ये भी अजीर्ण करते हैं, इसलिए केवल रुक्ष भोजन नहीं करना है, गुरु भोजन न्यूनतम करना है। गुरु कौन से पदार्थ होते हैं मालूम होना चाहिए, गुरु पनीर, चीज, दही। मैं आपको बताता हूँ व्यवहार में गुरु पदार्थ कितने हैं, अपने व्यवहार में शरावती मैडम तो चैप्टर जो केला है ना तो दाखवती हूँ व्यवहार में क्या चल रहा है आज। पनीर गुरु तरह है, पनीर कैसे बनता है, दूध, क्या क्या जाता है, फोड़ा जाता है और उसमें से प्रोटीन निकालते हैं, बराबर, ये गुरु तरह है। चीज कैसे बनता है पता है, चीज क्या है, चीज है चीज क्या है, प्रोटीन प्लस क्रीम वगैरह ऐसा कुछ तो उसमें एडिशनल है, ये गुरुतर है, गुरुतम है, बादाम गुरुतर है, काजू गुरुतर है, मूंगफली गुरुतर है, माश गुरुतम है, महेश दूध गुरुतर है, गुरुतम है, दूध की मलाई महेश के दूध की गुरुतम है, गाय के दूध की गुरुतर है, पेड़ा गुरुतर है, रबड़ी गुरुतर है, आम का रस गुरुतम है, केला गुरुतर है, समझे, ये व्यावहारिक है। तिल विदाई है, ज्वार रुक्ष है, बाजरा रुक्ष है, यव रुक्ष है, चना रुक्ष है, अति व्यायाम रुक्ष है, अभ्यंग नहीं करना ये रुक्ष है, जागरण रुक्ष है, ये भी व्याधि करते हैं।
भक्ति शीत समझ में आया ना, फ्रिज में पदार्थ फ्रिज का पानी लिया पोटल लगा दिया, क्यों हमारे घर में फ्रिज है दिखाने के लिए। हेतु है अग्नि बंद करता है, फ्रिज में का दूध निकालना, थैली फ्रिज में रखना, निकालना, तोड़ना, पी जाना, एंजॉय, ठंडा दूध पिया होने अजीर्ण करेगा। फ्रिज में एक सिकंड रखा है, रबड़ी रखी है, निकाले खा लिए, आइसक्रीम खा लिए, ये भी अजीर्ण करता है। समझ में कितना दायरा बढ़ गया, अनुक्त द्रव्यों का दायरा कितना बढ़ गया, ये देखोगे नहीं, ब्लाइंड चिकित्सा करोगे। लोग कहाँ रहते हैं, 25वें मंजिले में। अभी कली मैंने सुना वो कौन सावंत है राउत, उसका दादर में 25वें मंजिले पर मकान है, इन्होंने जब तक किया दोनों, एक जब तक किया एक रखा, इतने ऊपर रहने पर हवा ठंडी रहेगी या गर्म रहेगी, हो गया अग्नि बंद होगा। शीत सेवन से श्वास होगा। मैंने एक पेशेंट देखा, एजुकेटेड, 17वें मंजिले पे मौका, सामने झील तालाब, खिड़कियां सब दरवाजे खुले, पंखा चालू, एसी चालू, और आराम से बैठते हैं, दिन भर खोले में बैठते हैं। पति ऑफिस पे जाता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये आंटी आराम से घर में बैठती है, पूरे खिड़कियां खोल दी है, ठंडी में बैठती है, उसको न्यूमोनिया हुआ और वो न्यूमोनिया डायग्नोस नहीं हुआ, यानी बैक्टीरिया क्या है समझा नहीं, उसको नाम फंगल न्यूमोनाइटिस दे दिया, फंगल न्यूमोनिया, और हॉस्पिटल में एडमिट किया बांद्रा के बड़े हॉस्पिटल में, बड़े लोगों का बड़ा हॉस्पिटल, टोटल खर्चा 10 लाख आया। क्यों? श्वास शीतोत्थ है, निकालो श्वास अध्याय। चरक चिकित्सा श्वास अध्याय, शायद सोलह पांडु 15 ग्रहणी 14 हो गए, 17 पांडु के बाद। हाँ ठीक है, शीत सेवा करके यहाँ शब्द है, ये तो कहा है, शीत स्थान अम्बु सेवन, शीत स्थान शीत अम्बु सेवन, श्लोक नंबर 10 पेज नंबर 533। देखोगे कि नहीं देखोगे, ये केवल श्वास कुटर देखेंगे, देंगे हेतु बंद नहीं करेंगे, नहीं तो श्वास कुटर नहीं, श्वास कुटर जला तो फिर श्वास का चिंता बने, नहीं जला तो सोमास हो, कनकास हो, अभ्रक भस्म, समीर पन्नक, हेतु वैसे अजीर्ण के लिए विधि विरहित भोजन हेतु है।
और कुछ लिखा है नीचे उसने? व्यायाम अग्राम्य धर्मध्व। व्यायाम? व्यायाम नहीं, श्वास में नहीं, अपने मूल अध्याय में। अशुचि भोजन में, अशुचि भोजन और अशुचि, इन्फेक्टेड है, कॉन्टेमिनेटेड है, बासा है, हाथ धोए नहीं है, शुचिता कहीं भी नहीं है। व्याधि करेगा, इसलिए भोजन का स्थान, भोजन के बर्तन, भोजन के समय के कपड़े, सिर के बाल, मुंह, हाथ, पैर ये सब धोए चाहिए, धोने हुए चाहिए, कपड़े भी धुलाए चाहिए। भोजन बिस्तर पर बैठ के नहीं करना, चरक कहता है, चरक कहता है कॉन्टेमिनेशन होता है, अशुचि होता है। ये पहले जमाने में अशुचि को पापकर कहते हैं, पाप का अर्थ है व्याधि, पाप का अर्थ है व्याधि, इसलिए शुचि होना चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, अभी भी है, कहानी थोड़ी विचित्र है लेकिन अनुभव के लिए और सोचने के लिए बता रहा हूँ। वो स्वयं SC थे, लेवल था SC, लेवल यानी एडमिशन SC लेवल से लिए थे। अब हम लोग तो छुआछूत मानते नहीं, सब पे खाना खाते हैं, मैं अपने घर पे उनको बुलाता हूँ, मैं उनके घर जाता हूँ, हम तो भूल गए छुआछूत, कतई भूल गए। एक दिन क्या हुआ, उनके एक मित्र एनाटॉमी में काम करते थे, डिसेक्शन, वहां से आए और भोजन करने के लिए बैठे थे, तो बोले ठहरो हाथ धो के आता हूँ, कपड़े बदल के आता हूँ। मैंने बोला क्यों? नहीं, बोले एनाटॉमी में गया था। समझ में आया? शुचिता का अर्थ, शुचिता यही है, छुआछूत नहीं है। शुचिता का अर्थ क्या है? व्याधियां जो होती है संसर्गजन्य होती है ना, एक शैया एक आसन है, एक वस्त्र, ऐसे अनेक कारणों से होता है। और विकृति इतनी आ गई है कि छाया भी पड़े तो स्नान करना, इतनी विकृति आ गई है, मूर्खता का परिसीमा है। हम बोलते ना बोली भाषा में, क्या बोलते हैं बोली भाषा में यानी व्यवहार में, उसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए यानी उसके संपर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन छाया से पकड़ लिया, और छाया पकड़ के क्या किया, छाया पकड़ गई तो भी स्नान करना है। इतने बेवकूफ लोग हैं हम लोग, इतने बेवकूफ हैं, मूल अर्थ को बिना समझे चिपक के रहते हैं। इसलिए हर 100 साल के साथ बाद मूल ग्रंथों का अध्ययन करके उसका उचित अर्थ क्या है वो समझना चाहिए। शुचिता का अर्थ कपड़े धोए हुए चाहिए, हाथ धोए हुए चाहिए, स्थान परिसर स्वच्छ चाहिए, नॉन कॉन्टेमिनेटेड, इसका नाम शुचिता है। हम लोग ऊटी में जाते हैं, क्या करते हैं,
कपड़े निकाल लें, वो कपड़े पहन लेते हैं ब्लू, ये बांध लेते हैं, ये क्या है? ये शुचिता है। ये शुचिता आवश्यक है, मर्यादा तक उसका पालन करना है। हमने क्या किया? अतिरेक कर दिया उसका। वैसे ही अतिरेक हम बिना समझे कुछ करने में कर लेते हैं, आयुर्वेद में भी। दूध पीना अच्छा है, पूर्ण अन्न है, पीना चाहिए, बस सुबह शाम तक दूध पीना, साथ में है अग्नि, अच्छा है, ऋतु कौन सा है, कुछ नहीं। एक हमारे सीनियर कलीग थे, बहुत सीनियर थे, मेरे से दुगने आयु के थे। एक बार हमारा झगड़ा हुआ, अच्छा झगड़ा हुआ, बुरा नहीं हुआ। मैं व्याख्यान को गया था क्लिनिकल स्टडी में, रोगी कैसे देखना, हेतु कैसे निकालना। तो मैंने कहा कि इसको दूध पीना बंद करो, तो वो चिढ़ गया एकदम, ये क्या कर रहे हो बेवकूफी, दूध कहीं बंद करते हो। बोला सर क्यों, क्या होगा, दूध पूर्ण अन्न है, अजन्म साथ में है। अब मैं कुछ नहीं बोला, बहुत बड़े थे, ये वास्तव है। इसलिए ग्रंथों के शब्दों को भी समयानुसार अर्थ देखकर, ग्रंथ देखकर, अधिकरण देखकर समझना है। दूध, अब मुझे प्रश्न बार बार पूछते हैं लोग, उषपान करना कि नहीं, किसी भी ग्रंथ में लिखा है उषपान करो करके लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि ग्रंथ उषपान किसी ने भी कहीं भी कब भी करना है। देश काल ऋतु अवस्था दोष देखकर करना है, ये नहीं, ये भूल गए, उषपान दो दो लोटा। ये ग्रंथ बिना पढ़े, समग्र ग्रंथों का अध्ययन किए बिना हम कर रहे हैं। हमने हर जीवन की हर क्षेत्र में गलतियां की, हर क्षेत्र में बिना समझे सोचे अंधे बनकर कोई शब्द पकड़कर पालन कर रहे हैं। यानी अभिप्राय क्या है, ग्रंथ सभी लोगों ने पढ़ने चाहिए, मूलतः पढ़ने चाहिए और उसके अर्थ समझने चाहिए। अब ग्रंथकार शुचि कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि नहाकर धोकर बैठना है भोजन को, और इस शुचिता के रूप अभिन्न भिन्न है। एक समय था कि लोग पूरे बाल निकालते थे और नियम था 7-15 दिन में बाल पूरे निकालने चाहिए, पूरी गोटा नियम था। अंग्रेज आए, उन्होंने बाल बढ़ाए, बाल रखना ये करना वो करना सीख गए, हमने छोड़ दिया बाल निकालना। वो लोग बाल निकालते थे लेकिन टोपी पगड़ी पहनते थे बाहर जाते समय। अब हम क्या कर रहे हैं, बाल तो निकालते नहीं, टोपी तो पहनते ही नहीं है। अब रस्ते, अब कल्पना करो, आप रस्ते में जा रहे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, रस्ते में जा रहे हो, भीड़ में जा रहे हो, लोग खांसते हैं और कुछ कुछ करते हैं, बाल में कितने बैक्टीरिया आते होंगे, कितने आते होंगे। और जिनके बाल चिकने नहीं हैं वो यूं करे तो भी नीचे गिरने वाले हैं, गिरने वाले। क्यों रख रहा है बाल और क्यों निकाल रहा है, कभी सोचा है? कभी मौली इसलिए होना था कि बाल निकाले हैं, इसलिए सिर पे कुछ बांधो, टोपी पहनो, घूंघट भी लो तो इसका अर्थ ये है कि बालों पे मिट्टी मिट्टी नहीं आना। अर्थ भूल गए हम,
किसी के सामने घूंघट लेना, ये अर्थ हो गया उसका, नहीं उसका अर्थ ये नहीं है। बाहर निकलना है तो धूल आती है, इसलिए बॉल पे घूंघट लेना है, वो भूल गए हम। घूंघट क्यों आया, घर में कोई आ गया घूंघट ले गए, इतनी बुरे हाल है हमारे। बिना ग्रंथ पढ़े, सभी ग्रंथ पढ़ने चाहिए, शुचिता का अर्थ बाल भी छोटे होने चाहिए, नाखून भी छोटे होने चाहिए, बाहर से आने के बाद बाल धोने चाहिए, भोजन करना है तो क्या हम कर सकते हैं? बाहर के बूट पहनकर घर में आते हैं, क्या कहते हैं उसको आप, डाइनिंग हॉल में आते हैं, हॉल में आते हैं, बाहर बैठकर खाते हैं, ये शुचिता है? हम अनुकरण प्रिय हैं, इसलिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। आप दोपहर में शाम में जाके देखो चाट भंडार में कितनी भीड़ रहती है, इधर से कार जाती है घो धुआं छोड़ती है, मिट्टी उड़ाती है, और हम वहाँ पर जाके चाट भंडार खाते हैं। शुचिता, समझ में आया? हर ग्रंथ को पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है। मुझे पाप शब्द का अर्थ बाद में अब समझ में आया, जब मैं चरक पढ़ने लगा, पाप का अर्थ है रोग, ये करो तो पाप लगता है। हमारी माँ कहती थी बिना नहाए धोए खाना खाए तो पाप लगता है, मैंने बोला कहाँ है पाप, मुझे बताओ कौन सा पाप है, तो वो तो मुझे मालूम नहीं, मैं कह रही हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे बोला, मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन अब मैं बताता हूँ मेरे बच्चों को, बिना नहाए धोए कुछ खाए तो क्या होता है, शुचिता। पूछोगे कि नहीं? चलो आगे। विदाही शुष्कम अत्यंबुप्लुतम, विदाही शुष्कम अत्यंबुप्लुतम। हाँ देखिए अत्यंबुप्लुतम, इसको अधरेखांकित कर दीजिए, अत्यंबुप्लुतम पे उसको अंडरलाइन करिए। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कश्यप संहिता में, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कश्यप संहिता कह रहा हूँ, अभिप्राय क्या है कि आपको सभी ग्रंथ पढ़ने हैं, अत्यंब प्लुत शब्द है ना, भोजन में यदि आप ज्यादा पानी पियोगे तो कीचड़ बनेगा, पंकवत शब्द है उसका, इसलिए ज्यादा पानी पीना गलत है। कितना पीना उसमें गीलापन आवे, प्रवाही हो, एक जगह गोलापन पड़ा रहे हैं, ऐसा ना हो, इतना पानी पीना है। भोजन के बाद पीना है कि नहीं? कल फोन आया मुझे, वैद्य का आया, भोजन के बाद पानी पीने के लोग कह, लोग कहते हैं एक घंटे के बाद पीना कि नहीं? मैं बोला चरक में देखो, पढ़ो चरक, पानी पीने के नियम क्या पड़ा है। उन्होंने क्या कहा, तृष्णक अल्पाल्पो पिबेत, क्या लिखा है, तृष्णक अल्पाल्पो पिबेत, यानी क्या, प्यास लगी तो ही पीना है, इतना ही नहीं समझ पाया हम चरक पढ़कर, नहीं हम पढ़ना ही नहीं है। हमें, मुझे बहुत गुस्सा आता है, यदि मैं इतने साल से पढ़ रहा हूं तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ने की आदत कर रहे हो? चरक पढ़ने का प्रयास आप लोग सब मूल में क्यों नहीं कर रहे हो? आपको पता है मेरा संस्कृत ज्ञान कितना है? आप हंसोगे मुझे,
मेरा संस्कृत ज्ञान 8वीं से लेकर 11वीं तक जितना पढ़ाते हैं ना उतना ही है, 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं, 4 साल में हफ्ते में 2 पीरियड संस्कृत के, ज्यादा नहीं। अब कितने, 2, उतना ही व्याकरण पढ़ा है हमने। वो बाकी जो पढ़े हैं मैंने बढ़ाया है, अपने आप बढ़ाया है, स्वयं पढ़कर अपने बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते हमें आदत लगाई हुई है परीक्षा ओरिएंटेशन की, ज्ञान की नहीं लगाई है। नंबर कितने मिले, अकल कितनी आई पता नहीं, डिग्री है पीएचडी लेक्चरर बन जाओ, अकल कितनी है पता नहीं, ये आदत लगाई है। इसलिए पढ़ना जरूरी नहीं है, डिग्री जरूरी। चलो, तो कहाँ पर आए थे हम लोग, हो गया अत्यंबुपान, कीचड़ बनता है। पढ़ोगे क्या आप, पढ़ना शुरू करोगे, संस्कृत सीखोगे कि नहीं? सर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया मुझे। आज भी मेरी 2 किताबें फटी हुई है, लघु सिद्धांत को उम्मीद की, एक एक पन्ना उलट के बार बार पढ़ के, बार बार पढ़ के, एक पन्ने 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 अलग हो गए, फिर दूसरी मंगानी पड़ी मुझे। आपको क्यों नहीं आदत लगती है, क्योंकि जिज्ञासा ही नहीं है, जानने की इच्छा ही नहीं है। वो निर्माण करना चाहता हूं मैं आप लोगों में। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो सामान्य व्यक्ति था, मुझे, आपको पता है मैं किस डिग्री का स्टूडेंट था, बिलो 40, 35 से पास हुआ हूं मैं, 35% मार्क पास हुआ हूं मैं। मुझे ऐसा समझते थे ये बेवकूफ आदमी है, आप तो किस, आप बड़े बड़े लोग हैं, आप 90, 80, 60, आपको ही पढ़ना चाहिए, आदत लगानी चाहिए। 1 मिनट खाली नहीं बैठूंगा, 1 मिनट। चलो आगे, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ लेकिन ऐसा लगता है चाबी घुमानी चाहिए। उपतप्तेन भुक्तम च शोक क्रोध क्षुधा, उपतप्तेन मनसा। मैं आपको ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है, मुझे लगता है कि आप उत्तम कंसल्टेंट बने, उत्तम कंसल्टेंट बने आयुर्वेद के, और वो जगह जगह रहे, कम से कम खर्चे में लोगों को ठीक करते रहे, कम से कम खर्चे में। लोग बोलते हैं मुझे हेतु नहीं मिल रहे, उपतप्ते न मनसा, चरक विमान 2, अब देखिए मैंने अपने जीवन में कितने ग्रंथ पढ़े, पेज नंबर 238, श्लोक नंबर 8, न च केवलम अति मात्रम एव आहार राशिम आम प्रदोष कारम इच्छन्ति, अपितु खलु गुरु रूक्ष शीत शुष्क द्विष्ट विष्टम्भि विदाहि अशुचि विरुद्धानाम अकाले च अन्न अन्नपानाम उपसेवनम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या रि शोक मनो उद्वेग भय उपतप्तम मनसा वा यद अन्नपानम उपयुज्यते तद अपि आमम एव प्रदुष्यति। कुछ समझे क्या, कुछ समझा, क्या समझा बताओ मुझे, प्रयास करो आप, एक एक शब्द संदित विलक करके पढ़ो, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो, शर्म छोड़कर अध्ययन करना है,
पढ़ना है, गलत हो तो चलेगा, जोर से पढ़ो, एक एक शब्द नहीं समझो तो मुझे पूछो। पहला शब्द क्या है? केवलम। न च खलु, न समझ में आया, च समझ में आया, खलु, खलु ये उपपद है वास्तवता दर्श के लिए, वास्तव में, वास्तव में केवल अति भोजन ये कारण नहीं है अजीर्ण का। तो क्या है फिर? आहार राशि, आहार राशि। आगे अपितु खलु गुरु रुक्ष शीत शुष्क द्विष्ट विष्टम्भ विदाही अशुचि। अब इसमें कौन सा शब्द आपके समझ में नहीं आया? ऐसा शब्द कोई है तो जो समझ में नहीं आया आपको? शुष्क समझ में आया? क्या मतलब है शुष्क का? पानी कम, जिसको पकाने में पानी कम डालना। बताता हूँ आपको, आप ग्रामीण क्षेत्र में कभी गए हो? रहा है सब्जियां सुखा के रखते हैं उन्हाड़ा मधे जनरली गवार वगैरह, उन्हाड़ा तथा गवार वगैरह ऐसे वाड़ाउन ठेवतात आणि मग ते वापरतात, हरभरे के पन्ने हरभरे सुखा के रखते थे। ऐसे कई चीजें सुखा के रखते तो उसकी सब्जी बना देते, मजबूरी थी बेचारों की, मिलता नहीं था खेड़े में, मिलता नहीं ना, कोई आया तो फिर उसको सब्जी बना देते। क्या बनाया? सूखे की है, सूखे हुए पदार्थ सुखा के रखे हुए हैं। एक दूसरा, हम लोग रोटी बनाते हैं, तवे पर बनाते हैं, या तो फुलका बनाते तो चूल्हे पर बनाते हैं। अब ये एक बार बनाई गरम गरम खाए नहीं, बना के रख दिए, कोई आती है रोटी बना के रख देती है, हम फिर गरम करते हैं, फिर जब गरम करते हैं तवे पे तो किसी को कड़क चाहिए, तो जरा और थोड़ा, वो सूखी है या रूखी है? अब सूखी हो गई ना, ऐसे हम खाते हैं। और उसमें क्या है फिर? आजकल ये ज़्यादा है, क्या बोलते उसको, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, घी भी नहीं लगाना, तेल भी नहीं लगाना, बस सूखी रोटी खाना, समझे? शुष्क शाकन, सूखा हुआ नहीं खाएंगे। आगे द्विष्ट विष्टम भी, द्विष्ट समझा, जिसका द्वेष है, अब द्वेष जिसका है वो तो आदमी खाएगा नहीं ना, क्यों खाएगा? फिर ये लिखा क्यों? कभी मजबूरन खाना पड़ता है। हम लोग गए थे ट्रिप में, केरल में गए थे, कुछ खाने को मिला ही नहीं, सबको भूख लगी है, मुझे भी लगी थी। अब जहाँ गए वहाँ कुछ मिलता ही नहीं, एक जगह हमें मिला ऑमलेट बना के देंगे, अब वो भी किसका? बदक के अंडे का। मैं बोला सब लोग, अब मैं तो शाकाहारी नहीं, शाकाहारी हूँ, अब मजबूरन मुझे वहाँ खाना पड़ा। अब ये अंदाज नहीं आया कितना खाया तो भूख लगे, कितना खाया तो कुछ नहीं अंदाज आया। भाई दूसरे दिन के बाद ट्रिप छोड़ के वापस जाना पड़ा मुझे। दुष्ट आगे विष्टम भी, मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं आपके पास पेशेंट अभी जो आते हैं, वो पेशेंट कहां से आएंगे पता नहीं। ये जरूरी नहीं कि आपके पास महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्री नहीं आएगा, बंगाली भी आएगा,
फॉरेन का भी आएगा, यहाँ से जाकर फॉरेन में रहने रह के आया वो भी आएगा, वो कहेगा मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता था, जो मिलता था वो खाता था मैं, तो उसके लिए वो अदृष्ट है, लेकिन मजबूरन खाना पड़ता था, हो गया बीमारी। आपको ये देखना है आप आहार, एक बात भूल गए हो, भूल जाऊंगा मैं अभी बता देता हूँ, आप रोज का आहार देखोगे, ठीक है देखना है दिनचर्या में रोज का आहार क्या, लेकिन यदि व्याधि जीर्ण है तो आपको पिछले आहार का भी देखना पड़ता है। क्यों? यदि आप दोषों का शोधन नहीं करते हो तो दोष शरीर में जमा रहते हैं और उसका पूरण अपने आहार से होते रहता है, पंचभौतिक आहार से उसका पूरण होते रहता है। और आपको आज कुछ हेतु मिलता ही नहीं है तो आपको पीछे जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। पहले एक पेशेंट है मेरा राजस्थान का, वो कह रहा है साल भर से मुझे ये तो नहीं कहूंगा कष्ट दे रहा है, लेकिन प्रश्न कर रहा है कि मुझे 15 आती है, मैं थक जाता हूं पेट भारी रहता है, सिर में दर्द होता है, कुछ खाया तो पेट भारी हो जाता है, पेट में हवा हो जाती है निकलती नहीं, मैं सब कुछ कर चुका हूं कुछ नहीं हो रहा है, सब इन्वेस्टिगेशन कर लिया मैंने, और माँ बाप तो ये कह रहे हैं अरे तू खुद को ठीक नहीं कर रहा तो पेशेंट को क्या ठीक करेगा। अब जिस पेशेंट को मैंने फोन ऑनलाइन कितना करूँ मैं बोला भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने नज़दीक में कोई वैद्य हो तो उसके पास जाओ, तो बोले यहाँ कोई वैद्य नहीं है। वैद्य नहीं का मतलब, वैद्य तो है लेकिन सब मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपके पास मिलने आता हूँ। मैं बोला आखिर क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, न मैं प्रैक्टिस करता हूँ न मेरा दवा खाना, नहीं बोले आता हूँ मैं, आया घर पे आया, मैंने आया तो चलो बैठो खाओ जो भोजन दिया, और उसको पूछा आपके ये क्या है, तो सर बोले मैं रोज़ ठंडे पानी से नहाता हूँ, रोज ठंडे पानी से नहाता हूँ, ठीक है 12वां, ठीक है मैं देर से तो उठता हूँ 8 बजे उठता हूँ, ठीक है, और फिर 10 बजे खाना खाता हूँ। खाना क्या खाते हो? रोटी चावल, रोटी और दाल सब्जी, चावल मैं खाता नहीं हूँ राजस्थान का, और दोपहर में भूख लगी तो कुछ खा लेता हूँ, फल खाता हूँ बादाम खाता हूँ, कुछ घर में है तो वो लड्डू बड्डू खा लेता हूँ, और शाम में खाना खाता हूँ। वैसे हम 2 ही बार खाना खाते, बीच में खाते जनरली खाते नहीं है। मैं बोला सब ठीक है, वो आप गर्म पानी से नहाना शुरू करो और थोड़ा जल्दी उठ के थोड़ा घूमो फिरो, उससे उसकी तंद्रा तो कम हो गई, अंग बर्द कम हो गया, सिर का दर्द कम हो गया, लेकिन पेट ठीक होने का नाम नहीं है। साध है, अंग साध है, उत्साह नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, फिर मैंने उसको एक बार फोन पे पूछा कि भैया मुझे ये बताओ, ये तो छोड़ दो, आप बचपन में कहाँ रहते थे? तो बोले हम गांव में रहते थे। अच्छा फिर तो घर में खेती होती है? हाँ खेती है। दूध वगैरह निकलता है? हाँ बिल्कुल। गाय है वैसे?
हमारे पास गाय नहीं, भैंसे रहती, बोले अपने दूध पिया है? बोला हाँ पिया है। कितना पिया है? लगभग मैंने आधा लीटर दूध पीता था, बोले जब तक मैं शहर में नहीं आया तब तक, भैंस का। मैं बोला ये तुम्हारी बेईमानी का कारण है, आपको शोधन लेना जरूरी है। प्राचीन पूरा उपचिता, एक तुम्हारे माधव निदान में एक सेंटेंस है, पूरा उपचिता करके, पहले संचित दोष है माधव निदान में है, वो काम को उसको निकाला नहीं आपने तो महादोष बन जाते हैं। मेरी भी कल्पना थी पहले, ये पुराने दोष वो क्या करेंगे अब, लेकिन उनकी शांति नहीं किए, उनको निकाला नहीं, तो वो हेतु मिलने पर, अजीर्ण होने पर बढ़ते हैं। तत्रस्थाश्च विलंबेरन भूयो हेतु प्रतिक्षणाः। समझते हो? तत्रस्था यानी शरीर में, श्रोतों में जाकर लिप्त हो गए। विलंबिका, विलंबिका पढ़ा ना अपने, उनका शोधन नहीं करोगे आप। एक काम करो, कल्पस्थान अध्याय 12, मैं आप क्या कह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ समझ गया? मैं आपको उत्तम कंसल्टेंट बनाना चाह रहा हूँ। लीन दोष नाही म्हणायचं, लीन म्हणजे श्लिष्ट, पुरा उपचिता, विप्रकृष्ट दोषा, सन्निकृष्ट नाही, क्षीण दोष, बड़े हुए विप्रकृष्ट दोष, पुराने हेतुओं से बड़े हुए दोष शरीर में वैसे ही रहते हैं और समय मिलने पर व्याधि करते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि अब तक के अनुभव के आधार पर मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। हर चीज़ में हम गलतियाँ कर रहे हैं, हर चीज़ में गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा मेरे मन में है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं उसको व्यक्त करता हूँ। इसलिए थोड़ा बढ़ चढ़ कर बोलता हूँ, क्योंकि ये कभी हमने किया ही नहीं, वो करना चाहिए। पेज नंबर 674, श्लोक नंबर 69, दुर्बलो अपि महादोषो। बस शब्द समझा, अपि है, अपि शब्द जहां आता है वहां पर तंत्र युक्ति लगाना है। कौन सी तंत्र युक्ति लगाना है? अर्थापत्ति। दुर्बल को भी इसका मतलब क्या हुआ? बलवान को तो करना ही है, बराबर है। दुर्बलो भी कैसे? महादोषो, महादोष समझ गए, जिसके हेतु महान है, महान हेतु है, दिवास्वाप है, अव्यायाम है, गुरु भोजन है, शीत सेवन है, चेष्टा द्वेषी है। चेष्टा द्वेष समझते हो ना, काम नहीं कर रहा है, हर काम के लिए पेड सर्वेंट, हर काम के लिए महादोष। दुर्बलोपि महादोषो विरेच्यो, उसको शोधन देना है। कैसे देना है? विरेच्यः, विरेचन योग्य है, विरेचनीय। विरेच्यः
बहुशो है, बहुशो अल्पशा, बहुशो हो बार बार देना है, लेकिन कैसे देना है, अल्प, एक विरेचन बस है, 15 दिन में एक विरेचन बस है, कैसे करोगे, आमल के रस, दूध, सिद्ध घृत, महातिक्त घृत, पंचगव्य घृत, कल्याणक घृत, 20 ml, 30 ml, बस ना विरेचन हो जा, वमन देना है तो रात में दही चावल दिया, या तो दिन में कुछ अच्छा घी डालकर चावल बना के दिया और मदन फल दे दिया, एक उल्टी कर लो, 7 दिन घी पिलाया, फिर पानी पिलाया, अखंड पिलाया, फिर जब मदन फल चटाया, नहीं नहीं कुछ नहीं करना, श्वेत दो थोड़ा सा गर्म पानी के नहाने के लिए, वो श्वेत भी मत दो, दुबला दुबला है तो गर्म पानी से नहाने के लिए कहो, और सब सामने बिठा के घी चावल खाओ खिलाओ, और उसके बाद मदन फल थोड़ा सा दे लो, अब थोड़ा सा का बिक रहा है ये आपको देखना है, मेरा मदन फल पेड़ से लाया हुआ है, मेरा मदन फल दुकान से लाया हुआ है, मेरा मदन फल केवल बीज का बना हुआ है, या मेरा मदन फल पूरे फल का बना हुआ है बीज सहित, मात्रा में फर्क पड़ेगा, ये आपको करना है। मदन फल जहां मिलता है वहां जाएंगे, जिस ऋतु में निकालना है उस ऋतु में निकालेंगे, घर में लाएंगे, उसको रखेंगे, उसको बीज निकालेंगे, उसकी संभाल के रखेंगे, और जितना अंतरण का मुष्टि कभी लेना है पानी में डालेंगे, यूं यूं मसूम करेंगे, अब वो पानी कितना देने से कितना वमन आता है, ये डेजर्टेशन का सब्जेक्ट बनना चाहिए। मैंने किया है एक डेजर्टेशन मेरा, मदन फल प्रक्रिया उत्पन्न मदन फल और प्रक्रिया रहित मदन फल परिणाम, ऐसा डेजर्टेशन किया मैंने। एक पोटे नाम का सुरन था, ग्रामीण क्षेत्र का था, किनवट जिले का, किनवट तालुका, तो उसको काय चिकित्सा में आया था, तो उसको मैंने कहा आप किनवट से आते हो तो मदन फल वहाँ मिलता है, मदन फल पे काम करना है, करोगे, करूँगा बोले, उसने किया, चरक ने जैसे लिखा है उस ऋतु में जाकर मदन फल उस ऋतु में परिपक्व फल निकाल कर लाए, मुझे दिखाए, फिर घर गया, धान्य की इसमें क्या वो उसको कनगी कहते हैं हमारे में, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, वो इसके बनाए रहते हैं बांस के और या तो फिर वेलियों के, तो उसमें रख दिया, सुगंध आने लगा, फिर निकाला, फिर उसको फोड़ के उसको घी लगाया, हाँ, और सूखा के मद लगा कर टांग के रख दिया, और फिर वसंत ऋतु में ले आया, वसंत ऋतु के समय ले आया, ऐसे 3 साल किया उसने, किया 2 साल, और फिर उसको हमने फिर नाना पद उसको चूर्ण बनाने का प्रयास किया, चूर्ण बना नहीं उसका, बनता नहीं है, ऑयली रहता है, पिच्छिल है, तो उसका चूर्ण अच्छा बनता नहीं है, तो फिर भी हमने बनाया, और वो चूर्ण और बाजार में मिलने वाला चूर्ण इसके कंपेरेटिव स्टडी किया हमने, तो बाजार में मिलने वाला चूर्ण 10 ग्राम देने के बाद 3 वमन होते हैं, और ये चूर्ण 1.5 ग्राम देने से 3 वमन होते हैं, कितना फर्क है, ये आपको निर्णय करना है, मदन बल कितना देना है, मैं नहीं कहूँगा इतना दो करके, देश काल ऋतु बल वीर्य ये देखकर आप देंगे और एक वमन करवाएंगे, ये कोई पढ़ाएगा नहीं, आपको एक एक रिस्क लेना है, खुद को करना है रिस्क लेकर, पहले खुद को करेंगे, खाना खा के लेंगे, खा लेंगे थोड़ा सा मदन फल खा लेंगे, एक दिन किसी को बिना बताए कितना खाओगे, शुरू में क्या करेंगे, 1 ग्राम,
वो फेल हो गया दूसरे महीने में, फिर क्या करेंगे? अभी 2 ग्राम लेके रहेंगे, 1.5 ग्राम लेकेंगे, ऐसे आपको बढ़ाना है। मैंने ऐसे किया है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मुझे एक बार मेरे गुरु ने बताया है 5 ग्राम मदन फल दो। अब वो बाजार का था, वो हर जगह 5 ग्राम कैसे देंगे, कहाँ कौन सा मिलता है पता नहीं, तो हर बार थोड़ा देख के देखना, नया लाया 2 ग्राम से कुछ नहीं होता, फिर 4 ग्राम, फिर 5 ग्राम, ऐसे 10 ग्राम तक मुझे देना पड़ा। मदन पर 10 ग्राम देना पड़ता है मार्केट का, और आप पानी बना के दोगे तो 50 ml पानी से प्रारंभ करो, 20 ml से प्रारंभ करो, डर लगता है तो अंतर नख मुष्टि पानी में डाल लो, वो पानी कितना लेना है ये भी आपको तय करना पड़ेगा, 100 ml डालना है कि 200 ml में डालना है, तुम्हें कितने टकता है? 100 ml टाकून देता, आणि पाणी किती पासलं? 200 ml नाही मग काहीतरी घोटाळा झाला माझ्या ऐकण्यात, म्हणजे बी किती पाण्यात भिजू टाकता? चूर्ण टाकता, बी टाकत नाही? अंतर में मदन फल पिपली चूर्ण, पिपली चूर्ण किती टाकता? 10 ते 15 ग्राम, 10 ते 15 ग्राम, किती मिळेल पाण्यात? साधारणतः 150 ते 200, म्हणजे 200 पर्यंत असते पाणी, 200 पाणी मिळेल, 200 ml, आणि त्यातला किती देता? 100 ml तयार ठेवतो, पण देतो लागेल तसं 50 ml मी सोडत, म्हणजे आधी पूर्वी 100 ml देतो। आपको ये सीखना होगा, आपको डेव्हलप करना होगा, ये पेशंट के बलानुसार ये आपको डेवलप करना होगा कि ये चूर्ण डालते हैं या बी लाकर पानी में अंतर नख मुष्टि में कितना आता है, वो अंतर नख मुष्टि में कितने बीज आते हैं, उसका कितना वेट होता है वो देखना पड़ेगा आपको, और उतना वेट पक्का करके ये मदन फल मीन्स जिस मैं जिस प्रांत से लाता हूँ उसकी उसकी मात्रा ये है, तो ये इतना पानी में डाला, 200 ml पानी में डाला, उसको मशरूम किया, और ये पानी दो पहले 200 ml डालो, 100 ml डालो, तो उसमें देने के बाद यदि आप उसमें से 25 ml 20 ml पानी दोगे तो कितने मगन होते हैं? अपने आप पर प्रयोग करना, पेशेंट पे नहीं करना, अपने आप पे करना। एक हमारे एक अच्छे बड़े विद्वान व्यक्ति थे, गोप्टे नाम था उनका, त्रियमो गोप्टे विमो नहीं ते गोप्टे सर ना हे आणि आपले ते मोठे गोप्टे नहीं नहीं नाशिकचे दो भाई थे, एक विमो थे एक त्रेमो थे, तो ये त्रेमो गोप्टे नाम के थे, वैद्य थे, लेकिन मॉडर्न का नॉलेज अच्छा था, एनेस्थेटिस्ट थे अमरावती में, बड़े आयुर्वेद के प्रेमी थे। उन्होंने एक दिन क्या किया, उनके मन में आया सबका असर वत्सनाभ का असर नहीं है, तो उन्होंने वत्सनाभ का असर बनाया पद्धति से। अब शुरू कैसे करना, कितनी मात्रा में लेना, प्रक्रिया से किया, वचन आप शुद्धि कर लिए, वचन आप शुद्धि कैसी होती है पता है? गोमूत्र में उसको उबालते हैं, ये करके पोटली बना के गोमूत्र में उबालते हैं, प्रक्रिया है। तो उन्होंने पद्धति से उन्होंने किया और फिर उसका आसव बनाया, क्वाथ बनाया, पद्धति से क्वाथ बनाया, फिर उसमें इसमें ये डाला, गुड़ डाला, पानी डाला, और उसको बंद करके रख दिया, और वो आसव अब बन गया। अब ये टेस्ट करनी है, पहले एक चिट्ठी लिख दिया, मैंने आसव अच्छनाप का बनाया है, मैं टेस्ट डोज 10 ml ले रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ तो कोई जिम्मेदार नहीं, मैं जिम्मेदार रहूँगा। ऐसे लिख दिया, और एक दिन खाना खाने के बाद छुट्टी के दिन उन्होंने 10 ml ले लिया, सो गए।
दूसरे दिन ने जब उठ के चलने लगे तो बोले मैं चल रहा हूँ। इस पद्धति से आपको डेवलप करना पड़ेगा। वत्सल आपके मत करो लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं आपको। किताब में पढ़ोगे तो किताब मिल गया, 10 ग्राम बदाम फल, 5 ग्राम बचा, 2 ग्राम सैंडो, ये लिखा है। मैंने वैसे भी करके देखा, वो भी करके देखा मैंने। इसलिए इनको देना है आपको, किसको? दुर्बलों पे। आपको समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या करना करना है? आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। ये मदन बल कितना देना है, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रारंभ करना पड़ेगा ना। कब तक जाओगे, किस रुकोगे? कोई तो ही पढ़ाएगा, फिर हम करेंगे, हम करेंगे। और मैंने ये किया है, कुछ मर्यादाएं मेरी भी थी, मर्यादा में रह के मैंने किया। हाँ मर्यादा में रह के करना, मर्यादा में रह के मैंने बहुत किया है। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं जब मैं BAMS हुआ तो मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा था, समझ रहे हो? एक भी पेशेंट नहीं देखा था मैंने। कैसे देखना? कुछ नहीं। लेकिन आज क्या कह रहा हूं मैं, आज मैं विश्वास से कह रहा हूं कि ये पेशेंट ठीक होता है। और ये सब प्राप्त करने के लिए मुझे 40-50 साल लगे। सर शरबत या चाय? हाँ शरबत। मेहनत आपको करनी है, कोई तो ये पढ़ाएगा नहीं। चलो मूल पे क्या है अपना, कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे हम? हाँ महादोषो आगे बहुशो अल्पशाह, समझ गया? थोड़ा थोड़ा देखकर बार बार करके देखो क्यों कर रहा है। अगली पंक्ति में पढ़ा, मृदु भी भेषज ही दोषा हन्यु ही एनम अनिरुतः। फिर से पढ़ो, मृदु भी ही, मृदु भी जो भी देना है मृदु देना है, भेषज ही, भेषज ही तृतीया, मृदु भी तृतीया, भी ही हाँ दोषा, दोषा हाँ। अब यहाँ पर ये शब्द समझना है, दोषा हन्यु, हन्यु के आगे एक शब्द है, हन्यु के आगे अनिर्हुता है, संधि क्या बना है? हन्यु ही एनम, हन्यु ही एनम, हन्यु विद्यर्थ है, मार सकते हैं यानी बीमार कर सकते हैं, मारना यानी बीमार करना। यहां पर एनम विद्या, हन्यु एनम ओ नी रुता ओ नहीं निकाले नहीं, नी रुता रु हरण करना, निरुता अधिक मात्रा में योग्य मात्रा में निकाले हुए, नहीं निकाले, अनिरुता यानी निकाले नहीं, नहीं है। ये क्या करते हैं? हन्यु एनम, एनम द्वितीय इसको मारेंगे, मारेंगे मतलब बार बार बीमार करेंगे। हन्य हुई है ना अनिर्हुता, इसलिए महादोष संचित रहते हैं शरीर में और समय आने पर व्याधि करते हैं। उदाहरण के तौर पर बताता हूं मैं आपको, आपको 50 साल में ब्लड प्रेशर होता है, कहां से आया दोष? ये पहले से संचित होते होते एकदम तो नहीं बढ़े ना, पुराने जो आ रहे हैं जो अपने निकाले नहीं है, अपने
उनको बाहर निकल ही नहीं है, वो शरीर में जमा हो गए, कैल्सिफाई हो गए, उसके मूर्ति आ गई, बन गए, धीरे धीरे ब्लॉक कर देते हैं आपको। इसलिए हर साल ठीक है मध्यम मार्ग निकालो, दो साल में एक बार मध्यम मार्ग, तीन साल में एक बार मध्यम मार्ग, चार साल में एक बार मध्यम मार्ग, एक बार तो अपन कराओ चार साल में और देखो आपको 125 के ऊपर क्या जो मिलती है कि नहीं। ये नहीं करोगे तो क्या होगा, ये दोष शरीर में ही रहेंगे ना, फिर कहां जाएंगे ये, जहां जगह है वहां रुकेंगे, जगह कितनी है, श्रोतवा एवं पुरुषा कहीं ना कहीं रुकेंगे ना, जमा हो जाएंगे, श्लिष्ट हो जाएंगे, आमा के साथ कभी श्लेष्मा के साथ कभी मेधा के साथ कभी बन जाएंगे, और फिर बुढ़ापे में आपको हर दिन नई व्याधि, हर दिन नई व्याधि, हर दिन नई व्याधि, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये गोली लो, वो गोली लो, बीपी की लो, इसकी लो, एलर्जी की लो, ऐसे गोली आप लेकर पेट भरेंगे। इसलिए क्या करना है, चार साल में एक बार भवन करवाना है, नहीं तो क्या होगा, अनिर्हुता एनम हन्य हो, फिर ब्लड प्रेशर होगा, फिर किडनी डिसीज होगा, फिर डायबिटीज होगा, फिर रेटिनोपैथी होगी, फिर पैरालिसिस होगा, अर्धित होगा, ये जो शास्त्र लिखा है ना ये एविडेंस बेस्ड है। इसलिए आपको दोषों को निकालना है, समझ गया, कहाँ से यहाँ कहाँ तक आए, बलवान दोषों को भी निकालना, दोषों को शोधन करना ही है। कैंसर पेशेंट मध्ये कैंसर रुग्णांमध्ये शोधन मध्ये सीएमई मध्ये तुम्ही हा श्लोक सांगितला होता, हा तिथे सांगितला होता। हाँ मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मेरे मन में शंका थी यदि मैं हितकर आहार कर रहा हूं तो शोधन की जरूरत क्या है, यदि मैं गलती करता ही नहीं हूं तो शोधन की जरूरत क्या है, ये मेरे मन में प्रश्न था। किंतु अष्टांग संग्रहकार सूत्र स्थान में ये लिखते हैं कि भले ही आप अपने आप पर विश्वास रख रहे हो कि मैंने हितकर किया है, अपने आप पे भरोसा ज्यादा मत रखो, कहीं ना कहीं गलती होती है, ऋतु देश काल मात्रा आहार कहीं ना कहीं गलती होती है, इसलिए कम से कम चार साल में एक बार तो भवन करवाओ, एक बार तो विरेचन करवाओ। और उन्होंने उदाहरण दिया है, उदाहरण बड़ा अच्छा है, मोती पानी में बनता है ना, पानी से बना है, पानी में है, लेकिन उसको भी चका के लानी पड़ती है, पॉलिश करना पड़ता है। उसी तरह से शरीर में हर व्यक्ति भोजन करता है, कहीं ना कहीं गलती होती ही है, देश काल सात्म्य मात्रा पदार्थ दोष तो बनेगी ना। संचय अपवृता दोषा लभन्ते नोत्तरागते है, एक दूसरा श्लोक याद है आपको, शोधन के बाद ये तो संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः,
उसके पहले क्या है? शमन से शब्द किए हुए दोष फिर कुपित होते हैं, है? उसको हेतु मिलते ही वो कुपित होते हैं। शमन के बाद आप शमन करते हैं, उनके गुण कम करते हैं, मूर्ति तो रहती है, द्रव्य तो रहता ही है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, यदि करता शोधन है ना, शोधन के बाद भी आप हेतु बंद नहीं करोगे तो फिर बढ़ते हैं। इसलिए शोधन करना अनिवार्य है। यदि अच्छी आयु चाहिए तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आज मेरे पास कहने का अर्थ है कि कंसल्टेशन के लिए ऑनलाइन जो पेशेंट आते हैं प्रायः 50 के ऊपर के आते हैं। अब इस उम्र में मैं उनको शोधन दे नहीं सकता, दवा ज़्यादा औषधि ज़्यादा दे नहीं सकता, सहन नहीं होती है, बुढ़ापा है, और फिर बदल बदल के ये लो वो लो करना पड़ता है। यदि इन्होंने शोधन किया होता पहले तो ये अवस्था नहीं आती थी। लेकिन अब ऐसा है कि अग्नि भी मंद हो गया है, शरीर पर स्वावरुद्ध है श्रोतस, तीनों दोषों का अपने अपने इसमें प्रकोप है। अब वो ऋतु बदल गया कि ये करता है, ऋतु बदल गया कि वो करता है, एक ऋतु बदल गया बसंत आ गया प्रतीक्षा होता है, ग्रीष्म आ गया दाह होने लगता है, वर्षा आ गया भूख नहीं लगती है, मैं क्या कर सकता हूँ, दवा कुछ भी नहीं चलती, शीतोपला दिया आप पेशाब में आग हो रही है, त्रिकुट भी नहीं दे सकता मैं, शीतोपला तो छोड़ो, शीतोपला बहुत सस्ती है लेकिन वो भी नहीं दे पा रहा, फोन करते हैं मैं शीतोपला लिया पेशाब पे जलन हो रही है, अब क्या करूँ मैं, कि क्यों हो रहा है, शोधन नहीं किया। एक पेशेंट मेरे पास आया था, बड़ा विचित्र है, बताऊं कि नहीं बताऊं? बताओ। ये कोरोना आया था ना, कोरोना मैं क्लास में कभी भी इतना हंसता था, ऐसे हंसता था, कभी कभी पढ़ाता था, मुझे नहीं रोकी जा रही, ऐसे इतने गलतियां करते हम लोग कि हंसी आती है। वो कोरोना आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ निकाला, हल्दी का दूध पियो करके, हल्दी का पानी एक पेशेंट आया मेरे पास, पेशाब में बहुत जलन हो रही, महिला थी, मैंने तो भिन्न भिन्न दवाइयाँ देखे देख रहे, ये बंद करो वो बंद करो वो बंद करो, रूटीन बंद कर दिया मैंने। लेकिन ये पूछना भूल गया मैं, आप हल्दी का पानी पीते हो क्या, हल्दी का काढ़ा बना के पीते हो क्या, हल्दी डाल के दूध पीते हो क्या, ये पूछना भूल गया मैं। अब दवा बदल के दे रहा हूँ, हेतु बंद कर रहा हूँ सब, अब वो परेशान हो गए, वो कुछ ठीक नहीं हो रहा, फिर मैं बोला एक काम करो आप कंसल्टेंट के पास जाओ, किसी उनको एक नाम दे दिया मैंने, लेडी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट जाके आ, तो उन्होंने आपको कुछ भी नहीं हुआ नहीं, तो वो सब किया उन्होंने, क्या बोलते उसको यूरिन एग्जामिनेशन में बैक्टीरिया कौन सा है वगैरह, क्या उसको क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा कुछ वो किया, और उसने कुछ नहीं है आपको, तो उसने वो आए वापस तो बोले सब मुझे तकलीफ हो रही है और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है बैठो। मैंने उसको फिर से पूछा मुझे सुबह से शाम तक आप क्या करते बोलो, तो बोले सुबह मैं ग्लास भर हल्दी का उबाला हुआ पानी पीती हूँ, रात में सोते समय हल्दी का पानी पीती हूँ, दूध में हल्दी लाल की पीती हूँ। मैंने बोला हल्दी बंद करो, हो गया आपका काम, बस दवा कुछ नहीं, मैंने बोला आप हल्दी बंद करके 3 दिन के बाद आओ, हल्दी देने के बाद बंद करके 3 दिन के बाद आई पेशेंट खुश, सर बोले इतना जो मामूली था तो मैंने इतने पैसा खर्च क्यों किए, समझ गया कहाँ थे हम लोग, कहाँ से इधर गए, काम क्रोध ये सब रहे थे, नहीं मतलब तमन्ना
पूरा उपचित दृश्य से ऊपर हम यहाँ पर आए हैं कि ऐसे होता है कि आपको ये ध्यान रखना है। हाँ तो पूरा करो वो स्टोक पूरा करो चरक का कल्पस्थान का हो गया कल्प अपना मूल अध्याय। विमान स्थान दो काम क्रोध विष्टम्भी विदाही हो गया, छोड़ दो, चलो आगे काम क्रोध पे आओ। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा री शोक मान उद्वेग भय उपतप्त मनसा वा यद अन्नपान चरक उपयुज विमान दो आठवां श्लोक यद अन्नपान उपयुज्यते तद अपि आमम एव प्रदुष्यति। क्या लिखा है ये अग्निवेश ने इतना लिखा है, ये बिना अध्ययन के लिखा होगा ना, बिना अध्ययन के लिखा होगा। इंद्र ने बताया और इसने लिख दिया। अब देखिए इसमें हर शब्द महत्व का है, अपने जीवन से लगा हुआ है, अपने जीवन से पक्का बंधा हुआ है। यदि हम पहला शब्द क्या है काम, कोई मन में तीव्र इच्छा है वो नहीं मिल रहा है, उसकी चिंता मन में होते हुए आप यदि पूरा भोजन करोगे तो हजम नहीं होगा। इच्छा कोई है 90% मार्क मिलने चाहिए, 99 मिलने चाहिए, ये मन में रख के यदि हम भोजन करने बैठोगे चिंता करते रखते हुए, कामना है ना वो, उसमें पीड़ित है आप, नहीं जम रहा है, प्रयास कर रहे हो, दिन रात प्रयास कर रहे हो और पूरा भोजन कर रहे हो, भोजन तो पूरा कर नहीं है ना, तो उत्साह कहाँ से आएगा, नींद आएगी, ताकत नहीं रहेगी, भोजन भी पूरा कर रहे हैं उपतप्त मन से कर रहे हैं, और ये कब तक चल रहा है, कम से कम 6 महीने 12 महीने चलता है, 12 महीने चलता है, परिणाम क्या होगा, अम प्रदोष होगा, ये देखो कि नहीं, इसको वो शोधन देवो कि नहीं देना है, उसको पाचन करके शोधन देना पड़ेगा आपको। उपतप्त मानस ऐसे कितने हैं, हर एक का प्रभाव अपने पड़ता है, हर एक का प्रभाव पड़ता है। एक काम देखा आपने, दूसरा क्या है क्रोध। बोलू कि नहीं बोलू, अनुभव बड़े हैं मेरे, विचित्र अनुभव है। एक युवा पेशेंट मेरे पास आया, नहीं पेट में गड़बड़ है, हजम नहीं होता, ये होता वगैरह वगैरह। अब सब हेतु निकालने के बाद कोई हेतु नहीं निकल रहा, भोजन खाते हैं समय पे खाते हो ठीक है, भूख लगती वगैरह, छुटपुट कारण थे वो बंद कर दिए, बिना भूख लगे भोजन मत करो, दो ही बार खाना खाओ, तीसरी बार मत खाओ, और खाना है तो थोड़ा खाओ, सब बता दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। एक दिन मैं उसको फिर बुलाया ओपीडी में, और एक दिन मैंने उसको बोला कि आप जरा रुक जाओ, आपसे मुझे बात करनी है, एक घंटा पर रुक जाओ, और सब पेशेंट जाने के बाद फिर आप। तो मैंने उसको फिर बाद में बुलाया और ये पूछा कि आप भोजन जब करते हो तो शांत मन से करते हो क्या, मतलब क्या बोले,
मन में गुस्सा रहता है, नाराजी रहती है, वो तो बोले रोज का है। बोला क्यों? नहीं बोले, वो घर में ऐसा है, मैं खाना खाने बैठता हूँ तो कहीं ना कहीं किरकिरी शुरू हो जाती। बोले इधर पिताजी बोलते हैं, इधर माताजी बोलते हैं, इधर बहन बोलती है, इधर औरत बोलती है, सब मिलके मुझे तंग करते हैं। तू नौकरी नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, पैसे नहीं कमा रहा, इतना तंग करते बोले मुझे, मैं कैसे वैसे खाना खा के भाग जाता हूँ। बोले घर मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसे कमा, लेकिन नहीं जम रहा, मैं क्या करूँ। फिर मैंने उनके पिताजी को माताजी को बुलाया कि मैंने आपको लड़का चाहिए पैसा चाहिए मुझे बताओ। मुझे लड़का चाहिए। मैंने बोला उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको मैं देखूँगा, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं बोलेगा आप, प्यार से खाना खिलाओगे। होता क्या है, कुछ कमाता नहीं खाली खाता है, कुछ करता नहीं कुछ खाली खाता है। तंग आ गया। बोले मैं बोला ऐसे मत करो। उनका काउंसलिंग किया, इसका काउंसलिंग किया, धीरे 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 पेशेंट अच्छा बन गया। उपतप तुम्हारा सा। और ये ध्यान रखो कि जो कोई खाना खाने बैठा है तो उसके ऊपर क्रोध मत करो। हम भी करते हैं कभी कभी, हम लोग भी करते हैं। भोजन को बैठे कि शुरू, तूने वैसा क्या, मैंने ऐसे ऐसा किया। प्लीज डोंट डू इट। खाना प्यार से खाने दो। अब पूरा दिन पड़ा है ना झगड़ा करने को, और अनुभव तो यह है कि यही समय मिलता है बोलने को। है अनुभव लोगों को, सही यही मिलता है बोलने को, खास करके बच्चों को। पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, काम नहीं करता, समझे। फिर लड़के घर से भाग जाते हैं। देखा है कभी आपने, लड़के घर से भाग गए हैं। हमारा एक मित्र ऐसा है कि जिसका लड़का एट द एज ऑफ 16-18 ट्वेल्थ में था, कुछ था, भाग गया, आज तक नहीं आया है। उसको अब का लगभग उसको 35 साल हो गए हैं। क्यों? तो एक दूसरे पे गालियां देने लगे, औरत और मर्द दोनों एक ही जगह काम करते थे, मेरे अंडर ही काम करते थे। तो बोले ये खाना खाने के बैठते थे तो गुस्सा करते थे। तो बोलता मैं नहीं ये करती थी। मैं बोला दोनों करते थे, बच्चा भाग गया, अब क्या करोगे, आया नहीं बच्चा। उपतप्त मनसा। भोजन के समय किसी को कुछ मत बोलो, प्यार से खाने दो। पूरा विस्तार नहीं करूँगा मैं, हर चीज़ का विस्तार नहीं करूँगा, बहुत समझ जाएगा, लेकिन हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्रोध काम, क्रोध भय, लोभ लोभ द्वेष, ईर्ष्या, ईर्ष्या। बताऊँ किस्सा? ईर्ष्या पीड़ित व्यक्ति मरता है। मरता का मतलब मृतवत जीवन होता है उसका। मेरे असिस्टेंट थे, असिस्टेंट कहो तो अच्छा है, असिस्टेंट थे, लेकिन उनके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या थी कि ये डायरेक्टर कैसे बना, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं बनना चाहिए था, ये कैसे बना। इस ईर्ष्या में वो व्यक्ति 4 साल तक जलता रहा, जब तक मैं डायरेक्टर था, तब 2 साल तक जलता रहा। और जब मैं रिटायर हुआ तब मुझे मैसेज आया कि वो व्यक्ति लिफ्ट में घर जाते जाते
कोलैप्स हो गया। इतनी ईर्ष्या कमाल की कि मुझे एक दिन वो आके मुझे मेरे कैबिन में आके मुझे गालियां देना, आपको अकल नहीं थी आप राइटर बने कैसे, इतनी ईर्ष्या। इतनी ईर्ष्या कभी मत करो किसी के। तो ऐसे हर चीज में मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन हर चीज महत्व की है। अच्छे कंसल्टेंट बनना है तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूछो व्यक्ति को, कॉन्फिडेंस में लो। आपको एक याद है सूत्र, यो न आवश्यति आतुरस्य अंतरात्मनम स न रोगान चिकित्सति। इसको क्या दुख है समझो। यदि आपको अग्नि को संभालना है तो आपको उपतप्त मन को भी शांत करना है। उपतप्त मन को भी शांत करने की विद्या आनी चाहिए, ये भी आपका काम है। इसलिए आपका पठन अध्ययन ये चौतरफा होना चाहिए, एक नहीं सभी चीजों का अध्ययन। जहां से कुछ मिल सकता है, काउंसिलिंग करने की कला ये अनुभव से ज्यादा अच्छी आती है। किताब पढ़ने से तो आती है, लेकिन किताब पढ़ने से केवल नहीं आती, अनुभव से ज्यादा आती है। ये मेरा अनुभव है। इसलिए आपका वाचन का स्तर इतना बढ़ना चाहिए, जो मिला वो पढ़ो, जो मिला वो पढ़ो, अपने आप काउंसलिंग आ जाता है। उपतप्त मन से भोजन मत करो, काम क्रोध लोभ भय ईर्ष्या असूया द्वेष मान अपमान, समझे। अग्नि कितना महत्व का है समझ में है। अजीर्ण के हेतु नहीं मिलते, ऐसे लोग बोलते हैं मुझे, सर हेतु नहीं मिल रहे। मैं बोला ये मत कहो, हेतु है, मैं असमय हूं, निकालने में असफल हूं। आपको क्या क्या देखना है, केवल अग्निमान्य देखना है, नहीं अग्निमान्य के हेतु क्या है वो भी देखना है। हर बार अतिभोजन हेतु नहीं है, अभोजन भी हेतु है, रुक्ष विष्ट ये भी हेतु है, उपतप्तमन ये भी हेतु है। आपको अब आपके एक ये बताता हूँ, पद्धति बताता हूँ। जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो उसको निकालने का प्रयास मत करो, दो घंटे दस मिनट में उसको बोलो, सर आपके प्रॉब्लम ज़रा बड़ा है, मेरे मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, समय एक घंटा कम से बढ़ेगा, आप आराम से कभी तो भी आओ जब समय मिले आपको, और फिर बैठ के समय लेकर बात करके फिर उसमें एक 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 मुद्दा पूछते जाओ। सब पेशेंट बैठे हो और इसको पकड़ के रखोगे तो बाकी बोर हो जाएंगे ना, ऐसे मत करो। तो उसको बजे रखो, आप शाम में आओ, इस समय में आओ, 9 बजे के बाद आओ, पेशेंट सब जाने के बाद आओ, बात करेंगे। उसको लेकर आप घंटा और बैठोगे तो बाहर वाले पेशेंट क्या करेंगे। इसलिए समय अलग निकाल के करो इस पेशेंट को। ये मेरा अनुभव है कि मैं ऐसे पेशेंट को बुलाता हूँ, एक दिन आओ आराम से बात करेंगे। आते हैं फिर निकालता हूँ, एक एक हेतु मिलता है, बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और चुटकी से पेशेंट ठीक होने लगते हैं, चुटकी से, कुछ नहीं करना पड़ता आपको, थोड़ा काउंसलिंग करना पड़ता है। एक हिस्सा बताओ, सुबह बोर तो नहीं हो गए, गड़बड़ तो नहीं है खाना खाने की, एक बज रहा है। एक किस्सा बताता हूँ छोटा। एक 60 के ऊपर के एक व्यक्ति थे हमारे मित्र के पिताजी। मेरे मित्र छोटे भी हैं बड़े भी हैं,
यानी मेरे से छोटे कम उम्र में भी मित्र हैं, मेरे से बड़े भी हैं, मेरे से समाज के भी हैं, तो मेरे से छोटे थे लेकिन मुझे प्यार करते थे। एक दिन उसका फोन आया, सर बोले वो ऐसे लगता है कि हमारे पिताजी को वो क्या न्यूरोसाइकोसिस कुछ हुआ गया, हो गया है, किसको बताऊं? बोला क्यों, क्या बात है? नहीं बोले वो ऐसे कर, मेरे चाचा भी ऐसे मर गए बोले न्यूरोसाइकोसिस हो गए, और ये भी वैसे करने लगे, किसी को तो बताना पड़ेगा मुझे। मैं बोला साइंस क्या है, क्या कर रहे हैं? तो उसने बताया, और मैंने कहा एक काम करो, आप घर पे आओ। घर पे बुलाया मैंने, तो उसने बताया मुझे कि मेरे छोटे भाई की शादी करनी है और शादी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और पिताजी रात में खाना खाया है तो मुझे बोले चलो गाड़ी निकालो। बोला क्यों, क्या करना है? नहीं बोले कपड़े खरीदी करने हैं ना बच्चे के लिए, जाएंगे। पापा दुकान बंद हो गए पूरे? नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, चलो गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाल के उनको घूम के लाया मैं, दुकान बंद है, वापस आए। ऐसा हर चीज़ में कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं। मैं बोला समझ गया, मैं एक काम करो, अब तुम आप बड़े हो ना, हाँ आप शादी की जो जो काम करोगे, व्यवस्था करोगे, उस व्यवस्था में इनको इन्वॉल्व करो। पापा मंडप डालना है या हॉल लेना है उनसे पूछो, जो आपको करना है वही करो, इनको इन्वॉल्व करो, हर चीज़ में करो। पापा अनाज लाना है कहाँ से लाऊं, कॉन्टैक्ट देना है किसको दूं, कोई है परिचित आपका, ऐसे करो और मुझे चार दिन के बाद फ़ोन करो। चार दिन बाद होया पप्पा ठीक हो गए, बोले बोले क्या चाहिए था? इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे आप, ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ड्यू रिस्पेक्ट आवश्यक है ना। अब मुझे भी लगता है मुझे पूछा नहीं तो कैसे, पूछना जरूरी है ना। इस प्रकार आपको चारों तरफ ध्यान देकर अपने आप को ऐसे बढ़ाना बढ़ाना है। लिमिटेड मत बनो, पढ़ाई तो करनी है। चलो आज बहुत कम पढ़ा पाया मैं, ज़्यादा बोला हूँ कम पढ़ाया हूँ। मैं वही आपके इस पे ये रख करना चाह रहा हूँ कि मजाक नहीं है दृष्टि चिकित्सक बनना। डिग्री ले लिए, पीएचडी बन गए, डायरेक्ट पोर्ट लगा दिया, कंसल्टेंट करके पैसे ले रहे हो। माझा एक मित्र या कोरोनाच्या भयाने मेला ऍट द एज ऑफ 60, केवळ भयाने, केवल दर्शन मर गया। काउंसिलिंग जरूरी है, और काउंसिलिंग कैसे करना है ये भी कला है। एक लक्षात घ्या, जेव्हा शिवळ झाली आहे का बघा, नहीं तो लोग सुनते रह जाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा। एक बार ऐसे ही हुआ, खाना बैठते बैठते गप्पे मारते हुए मेज बंद हो गई। ये भी ऐसे होता है, मेज बंद कब तक खुले रखेंगे वो? चलो मुझे बोलो ना, कब बोलो तो मैं बोलता हूँ। ज़्यादा विस्तार हो गया तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं